सरकार ये गोल गोल जो घुमा रही है मेरिट को अर्थहीन कर दे रही है। समस्या हम लोग इसी बात से है कि मेरिट को अपर दिन कैसे कर दीजिएगा, मेरिट का भी अर्थहीन होता है, होता नहीं मेरिट। तो जितने भी लोग हैं सबकी नियुक्ति पक्की होनी चाहिए, हर हाल में नियुक्ति होनी चाहिए। हम नहीं जाने वाले हैं नियोजन में। जो 30,675 मेरिट में है उसको पहले कराइए और जिसको बाद में देना है आप दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। बहुत तकलीफ है सर, लगता है कि मर जाए, समझ कर लगता कि मर जाए, आत्महत्या कर ले। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। 2019 में एक नोटिफिकेशन आता है और उसके आधार पर जो पढ़े लिखे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उस एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है और फिर से एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पर सभी भरोसा करते हैं, उसके बाद भी इनकी नौकरी नहीं होती और इसमें भी मेरिट और नॉट मेरिट बांट दिया जाता है और उसके बाद सभी अभ्यर्थी सड़कों पर रहते हैं। लगभग 2 सालों से ये अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। 3 साल हो गया, 3 साल से 2019 से लेकर अभी तक, और ऐसे में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जब भी ये उनके आवास पर जाते हैं कि बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आखिर ये ज्वाइनिंग कब होगी, इनको तारीख क्यों नहीं बताया जा रहा है। तमाम स्टेट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है, अच्छा मेरिट ही अभ्यर्थी, क्या लगता है कि कब तक हो जाएगा ज्वाइनिंग? ये हम लोग सरकार तो नहीं ना है, कब तक तो सरकार को करना ना है। हम लोग मेरिट में जो हम लोग का काम था वो हमने किया, सरकार ने विज्ञापन निकाला, सरकार ने परीक्षा ली, हम लोग अपना मेहनत काम था मेहनत करना, हम लोग मेहनत किए, आज हम लोग मेरिट में आ गए, रिक्ति के अनुसार रिजल्ट निकला, साफ साफ बात है हम लोग को। अब हम लोग को नियुक्ति सरकार दे, सरकार ये गोल गोल जो घुमा रही है मेरिट को अर्थहीन कर दे रही है। समस्या हम लोग इसी बात से है कि मेरिट को अपर दिन कैसे कर दीजिएगा, मेरिट का भी अर्थहीन होता है, होता नहीं मेरिट। तो सरकार अब नियुक्ति, हम लोग को नियुक्ति दे, हम लोग आगे पीछे अब क्या सोचे, हम लोग 19, 20, 21, 22, अब क्या हम लोग 20 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार कर ही तो रहे हैं। तो सरकार तुरंत हम लोग को नियुक्ति दे, हमें मेरिट नॉन मेरिट कुछ हम लोग किसी से मतलब नहीं है, हम लोग रिक्ति के बराबर रिजल्ट था, हम लोग आगे मेरिट में, हम लोग को नियुक्ति दीजिए। अब आप जो है कि ये जिलेबी बना रहे हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट सब जाएगा बहाली में, नियोजन में तुम्हारा नियोजन होगा, नियोजन का भ्रष्टाचार कांडा सब लोग जानता है वहाँ पे। आप मेरिट और नॉन मेरिट सब जाएगा, छठे चरण से भी कुछ छट के आएंगे, लगभग 1 लाख अभ्यर्थी जाएंगे, रिक्ति कितना है? 37,000 तो कैसे होगी सबकी बहाली? वही तो हम शिक्षा मंत्री को 6 महीना से पटना की धरती पे घूम घूम करके समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। और उनके मन में क्या है सो भगवान भरोसे हुए समझे, हम तो मेहनत किए मेरिट में आ गए, अब उनको चाहिए वो समझ रहे हैं कि दलाली का मत देखिए, उन्होंने लड़ा नहीं, वो चाह रहे हैं कि सबको भेज दे, और नियोजन इकाई में दलाल बैठा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक, ले पैसा पैसा कितना पैसा, 8 लाख 10 लाख 12 लाख अंदर से पैसा लेगा, टेबल नीचे नीचे होके जाएगा ऊपर तक पैसा, नीचे नीचे ऊपर जाएगा। हाँ सर, सर सबसे पहली बात कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसका आधार क्या होता है? विज्ञापन होता है। अच्छा, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। देखिए, विज्ञापन के अनुसार हम लोग को यहाँ बड़ी साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में मेघा अंक तैयार किया जाएगा। तो जब हम लोग स्टेट 19 में जब हम लोग ऊंच से निम्न की ओर मेघा जब लाए हैं तो फिर हम लोग को बहाली में क्यों नहीं लिया जा रहा है? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, ठीक ना? हम लोग को जरूरत क्या पड़ गया ये नॉन मैरिट मैरिट करने के, क्या है क्या है सब? ये जो पक्की नौकरी थी वो हम लोग थे, समझे ना, हम लोग की पक्की नौकरी थी जो बोला गया था 12 तारीख को। ये जो पक्की नौकरी थी 24,000 जो संख्या था उस दिन, शिक्षा मंत्री जो वो हम लोग थे, करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उस दिन थे। और जो रिजल्ट आया 30,675 स्टूडेंट है वो लोग हम लोग हैं, मेरिट में हैं, नोटिफिकेशन के अनुसार हैं, हम सख्त हैं, हमारा अधिकार है 37,335 सीट पे, 75 सीट पर जो भी सीट है नोटिफिकेशन के अनुसार। 6,675 जितने भी लोग हैं सबकी नियुक्ति पक्की होनी चाहिए, हर हाल में नियुक्ति होनी चाहिए, हम नहीं जाने वाले हैं नियोजन में। और उसके बाद उसके नौकरी देना हो तो आप अपने तरीके से दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम, लेकिन जो सीट में लिखा हुआ है किस तरह से बना है और क्या है, क्या पोजीशन है मेरिट का, सभी वर्णन किया हुआ है, रिजल्ट डेट भी लिखा हुआ है 21 जून, 21 जून को रिजल्ट आया है, उसमें मेरिट का कॉलम है। ये सर कब है? ये जो सर बता दिए, चयन प्रक्रिया बता दिए, हम लोगों को एक मिनट, एक मिनट, इनको बोल दो सर,
अनंत किशोर का देखिए सर, अनंत किशोर का जो है अनंत किशोर का देखिए सर कोर्ट में अपडेट है। अनंत किशोर ने खुद ही कोर्ट में अपडेट दिया है कि ये जो एग्जाम था एस्टर था, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम था। इस एग्जाम में स्टेट के मार्क्स के आधार पर ही बहाली होगी, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है अपने राजनीतिक मुद्दा को लेकर कहते हैं कि नहीं 30,675 नहीं 80,000 विद्यार्थी की नियुक्ति होगी। ये संभव सर कैसे है? 37,000 सीट है, 80,000 आप लड़का को घुसाइएगा तो जो मेरिट में आए लड़के हैं कहाँ जाएंगे? अब विज्ञापन आप 19 में निकाले, 22 में आप प्रक्रिया कैसे? अगर अगर एक सवाल ये है कि अगर रिक्ति बढ़ जाता है, सीट अगर 1,00,000 हो जाता है, 1,00,000 अभ्यर्थी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? भर्ती चाहिए हमें सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 30,675 मेरिट में है उसको पहले कराइए और जिसको बाद में देना है आप दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। सर पहले आपको मतलब धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का आप मुद्दा उठाएं, आप आते हैं हमेशा आते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, शुक्रिया सर। किसी तरीका सर हम लोग को दिक्कत है तो आप हम लोग को माफ़ करिएगा। पहली बात देखिए सर, 2019 में भी विज्ञापन निकला था, चार चार को हम लोग एग्ज़ाम दिए सर, एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट लिस्ट में आया सर, अब मेरिट को कैसे अर्थहीन कर देगा बताइए सर? अगर आप ही मान लीजिए कल लोग IAS में सिलेक्शन हो जाते हैं सर, और उसके बाद कहता है कि नहीं आप वैसा लेकिन भी आ जाएंगे जो जो नहीं फेल कर गए हैं उन लोग को भी आप बहाली करेंगे तो यह है मुमकिन सर? बताइए, हम लोग इतना टफ एग्जाम दिए हैं, इतना टफ एग्जाम दिए हैं, कौन सा एग्जाम? BPSC और IAS लेवल का एग्जाम था आप लोग का एग्जाम था, क्योंकि पहला एग्जाम रद्द हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर अपनी तीसरा दिया, ऑनलाइन दिया कोरोना काल में, और इतना टफ एग्जाम दिए हैं सर, किसका मतलब की कहना नहीं है। एक सवाल ये रहेगा, जवाब कौन देगा आप में से, सुन लीजिएगा। सवाल ये है कि इतनी पढ़ाई करते हैं, मतलब इतनी पढ़ाई करते हैं कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि दूसरे को पढ़ा सके, पढ़ाते हैं, और इतना पढ़ाई करने के बाद अगर सड़कों पर दर दर भटकना पड़े कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ है सर, लगता है कि मर जाए, समझ कर लगता है कि मर जाए, आत्महत्या कर ले। हम लोग परिवार में भी दम असहनीय है सर, इतनी असहनीय है कि आपको बता ही नहीं, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतनी दर्द है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिक्षक के जो भी रिक्तियां खाली हैं उन पर जल्द से जल्द बहाली हो, और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ये बात सुनते ही नहीं है, क्या लगता है? ये सिर्फ गोल गोल घुमाना जानते हैं शिक्षा मंत्री, और कुछ भी नहीं। वो शकुनी मामा का रोल प्ले कर रहे हैं इस बहाली के लिए, खास करके सुबह में पहले बोलते हैं सारे जो IAS ऑफिसर्स हैं सबका मीटिंग होता है, और उसके बाद निकल के आता है कि मेरिट और नॉन मेरिट, जो विज्ञापन में सब कुछ वर्णित है। एक बार विज्ञापन बनता है, राज्यपाल का आदेश होता है, उसके बाद वो विज्ञापन बाहर मार्केट में आता है, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, इसके बाद जो उसमें मेरिट में आता है उसका रिजल्ट आता है, जो मेरिट में नहीं आता वो हल्ला करता है कि हमको भी मेरिट में ले लो, ये पॉसिबल है क्या? एक सवाल रुकिएगा, विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या लगता है कि आपके मुद्दे को उठाया जाएगा वहाँ पर? दम ऑब्वियसली उठाया जाएगा सर, सर मेरा एक बात सर उठा दीजिए। बोले बोले सर, हमको बस यही कहना था सर, रिजल्ट कार्ड अभी बट रहा है सर नियोजन में DO ऑफिस भी, और सर उसको पलट के देखिएगा ना तो सीधा फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हमारे पास जितना सीट है उतना हम रिजल्ट दे दिए, आप उसके अंदर में आ गए तो ठीक है, आगे बहाली में जाइएगा, अब बाकी लोग बाहर रहिएगा। आनंद सुन लीजिए, स्टेटमेंट आनंद किशोर, अकॉर्डिंग टू विज्ञापन सारे का सारा रिजल्ट दिया जा रहा है, जो इसे मेरिट लिस्ट में है उन्हीं को उनका दिया जाए। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखिए सर लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, देखिए सर क्या लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन दैट सब्जेक्ट, ये लोग को क्लियर लिखा हुआ है सर, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट में है उसी को है, उसके बाद किसी और के लिए नहीं है ये वैकेंसी, ये बात ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे बाहर नहीं जा सकता। सरकार नहीं मान रही है, और दूसरा नहीं केवल शिक्षा मंत्री नहीं मान रही है, शिक्षा मंत्री जो भी गलत काम कर रहे हैं, ये शिक्षा को गिराने का काम केवल शिक्षा मंत्री कर रही है। इसमें दिया गया है कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन, अच्छा सचिवालय से आदमी कोई आए हैं वो मांग रहे हैं, आप ले जाइए आपसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अच्छा आपको बोला
क्या मतलब क्या लगता है कि वाकई में शिक्षा मंत्री आप लोगों के बहाली को फंसा रहे हैं या उनसे कोई गलती हो रही है? जानबूझ के कर रहे हैं, गलती हो गई है, बार बार उसी गलती को झांपने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। एक गलती उनसे मिस्टेक हुआ, कुछ दूसरा मीटर ऐसा रहा अच्छा, तो कभी खत्म नहीं होगा। क्या लगता है कि नौकरी हो जाएगी यहाँ बैठने से या नहीं? देखिए, मेरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत पहले विगत दिनों हम नौजवानों से ये स्टेटमेंट दिए थे कि हमको अपने बिहार को डिजिटल बिहार बनाना है, जिसमें नौजवानों के और कोई भी परिवार हो या स्टेट हो या देश हो, उसको डिजिटल बनाने के लिए सबसे पहला स्थान शिक्षा का दिया जाता है। तो हम बिहारवासियों श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो मेरिटधारी शिक्षक मेरिटधारी जितने सारे स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आपके सबसे पढ़े लिखे विद्वान बिहार के जो शिक्षा मंत्री आपने उसको बनाए हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी को, इनको ये बात पता नहीं है कि डिजिटल बिहार बनाने के लिए मेरिटधारी शिक्षकों की ही ज़रूरत है, जबकि आपके शिक्षा मंत्री नॉन मेरिट और मेरिट की भाषा को कुछ नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो आप डिजिटल बिहार बनाने के लिए ऐसे शिक्षा मंत्री को अधिग्रहण किए हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी, इनको ये बात पता ही नहीं है कि मेरिट और नॉन मेरिट का मतलब क्या होता है। तो अब तो आप माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आप तो अपने बिहार को डिजिटल बिहार बना ही दिए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी हाल में विज्ञप्ति का पालन हो और हम लोगों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए, बाकी रहा नॉन मेरिट। देखिए सर, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा बिहार पढ़े बढ़े उन्नति करे, लेकिन उसका जो मेन रूट है शिक्षा में आज आप देखिएगा हम सबसे नीचे से टॉप कर रहे हैं। यदि ये मेरिटधारी विद्यार्थी यदि पहुंचते हैं तो वो ये उस रैंक को बढ़ाएंगे, नीचे ऊपर से टॉप करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि कम से कम मेरिटधारी विद्यार्थियों की जो अभ्यर्थी हैं उनका कम से कम स्कूल में हर हाल में नियुक्ति करवाया जाए। चलिए, नियुक्ति करवाया जाए। तो थोड़े अनिल जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक किए थे राजद कार्यालय के बाहर, आज अभ्यर्थियों की संख्या भी दिख रही है, बहुत अधिक अभ्यर्थियों की संख्या है। एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है और उसके ठीक बगल सड़क, इस पार आप लोग गर्दनी बाग में आंदोलन किया, क्या लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही होगी कि नहीं? जबरदस्ती पहुँचा देंगे, जबरदस्ती माइक कलर पैदा नहीं ले, जो विज्ञापन बदलने की कोशिश करेगा वो और बदल के जिस कुर्सी पर बैठेगा वो कुर्सी में आग लगा देंगे। कौन माइक कलर पैदल है जो विज्ञापन बदल देगा? जिस हाथ से विज्ञापन बदलेगा हाथ में मोर के तोड़ देंगे, बोलने की कोशिश करेगा जीभ कबार लेंगे। विज्ञापन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अरे मेरे हाथ में विज्ञापन है, विज्ञापन हमारी माँ है, विज्ञापन गीता और कुरान है, कौन बदल देगा विज्ञापन को? विज्ञापन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, विज्ञापन ही मेरा गीता और कुरान है और हम विज्ञापन को मानते हैं। और कौन विज्ञापन को बदला? कौन माई कलल पैदल है जो विज्ञापन को बदल देगा? पूरी फौज खड़ी है, उससे डरने वाले हैं, धक्का मार के उलट देंगे। अरे 30 साल की उम्र है, सुनिए, 30 साल की उम्र है, शारीरिक और मानसिक क्षमता चरम पे है, जो टकराने की कोशिश करेगा सला उलट देंगे, हमसे टकराएगा, 20 फीट के दीवार को फान जाएंगे। अभी देखिएगा बगल में विधानसभा चल रहा है, क्या लगता है कि आपके मुद्दे को उठाया जाएगा वहाँ? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और अगर निर्णय हमारे खिलाफ लिया गया तो विधानसभा में घुस के झंडा गाड़ेंगे। और समझ ले सियासतदानों, संविधान से काम करो, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। संदेश दे दीजिए आप और मेरे विज्ञापन के बारे में विवेचना करिए शाम को कि मैं क्या मांग रहा हूँ। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आपको हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और आप विज्ञापन को पूरा अधिक करते हैं। खुशी होगी आप मुझे बुलाएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल, और हम आएंगे और हम हमेशा आभारी हैं आपके जी कि आप जैसे योद्धा पत्रकार इस लोकतंत्र और विज्ञापन की रक्षा के लिए आगे आए हैं, हमेशा आभारी रहेंगे आपका। तो देखिए, एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसके ठीक बगल में सड़क के इस पार गर्दनी बाग है, धरना स्थल है और यहाँ पर स्टेट 2019 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। लगभग 3 सालों से ये आंदोलन कर रहा है। अच्छा, आवाज़ भी आ रही है मेरिटधारी। तो चलिए, मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, देखिए संख्या बल भी बहुत अधिक है। और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या इनकी आवाज़ उठाई जाएगी?
अगर उठाएगा तो कौन उठाएगा? पीछे भाई साहब पूरा एकदम बिहार स्टेट 2019 महाआंदोलन विज्ञापन का पालन। हम लोगों के साथ सरकार द्वारा विजय चौधरी की माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा अन्याय करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरिट में आए हैं। खेल के बीच में या लास्ट में नियम नहीं बदलता है। हम लोग का प्राइज का टाइम था, हम लोगों को नियुक्ति का टाइम था, मतलब खेल शुरू हुआ खेल खत्म हो गया, और जैसे प्राइज का टाइम हुआ खेल का नियम ही बदल गया। शिक्षा मंत्री बोलते हैं खेल का नियम चेंज हो गया। शिक्षा मंत्री जी आप कान खोल के सुन ले, आपका कुर्सी च रहे चाहे नहीं रहे, आप अगर संविधान को हाथ में लेंगे तो हम लोग भी संविधान को हाथ में लेंगे, वरना जिंदा रह के क्या करेंगे, नहीं तो आतंकवाद बन जाएंगे। अस्वस्थ हैं, हाथ टूटा हुआ है, नौकरी के लिए यहाँ आकर बैठना पड़ रहा है। देखिए सर, इस दर्द के, ये जो दर्द है ना, जो पेट का दर्द से सब बड़ा नहीं है। हम लोग सुयोग योग उम्मीदवार हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोग जो बार बार जो कहा जाता है कि मेरिट अर्थहीन है, लेकिन हम उनसे बार बार पूछना चाहते हैं मेरिट क्यों अर्थहीन, कैसे अर्थहीन है जो मेरिट को अर्थहीन कर देते हैं। सबसे बड़ी जो हमसे सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री से एक ही मांग है कि आपने जो विज्ञापन निकाला था बिहार स्टेट 2019 का, उसके विज्ञापन के अनुसार आप जो चयन की प्रक्रिया रखे थे उसको पालन करते हुए मेरिट लिस्ट में आए हुए 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें, और जो भी नॉट इन मेरिट हैं उनको सीधे डिस्क्वालीफाई किया जाए। चलिए, तो स्टेट के अभ्यर्थी हैं। हाँ जी, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री, अगर मेरिट का हत्या होगा, मेरिट की नियुक्ति नहीं होगी तो फिर मेरिट अर्थहीन कैसे होती है? विज्ञापन का पालन होना चाहिए, विज्ञापन के अनुसार 30,675 अभ्यर्थी वही पात्र है और वही है, मेरिट के हक को नहीं मारा जाए, हम यही चाहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं सोशल साइंस में 5,000 सीट। तो देखिए ये तस्वीर देखिए, अब जो है सभी ने अपनी बातों को रखा, आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे।